सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय हृदय राख विश्वास प्रभु बिगरत सियावर रामचंद्र भगवान की। जय श्री राम। बहुत अच्छा संयोग है, आज इस मंच पर भ्राता भी, बहन भी और बेटा भी हमारे शंकराचार्य, भ्राता बहन सुनीता और बेटे देखिए धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर के, बहुत अच्छा बहुत प्यारा बालक है। तो मैं अब कथा कहूं कि इनको माइक दूं ये समझ नहीं पा रहा हूं, पर दे रहा हूं माइक थोड़ा सा बोलने के लिए, दो चार वाक्य बोलने के लिए, फिर स्वयं विलंब से, जबकि विलंब से अब इनको तो मेरे मुझे पीटने का मन कर रहा है, क्योंकि एक बालक हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, अगर किसी माता पिता का है तो उससे जल्द से जल्द अनुरोध है कि मंच के पास आ जाएं। एक बालक, छोटा सा बालक हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, कृपया इसको गंभीरता से ले। कल रहेंगे? नहीं, अगर कल रहना हो, कल ना रहना हो तो आज माइक दूं। नहीं तो दो, अभी दे रहा हूं भाई। चलो चलो, दो चार वाक्य बोलो फिर। मैं नहीं, कथा के बाद नहीं बोलना चाहिए। मैं बहुत बहुत वात्सल्य से बुला रहा हूं बागेश्वर के पीठाधिपति और इनकी, इनका दरबार बहुत ख्यात है हमारे, और मेरे दीक्षित शिष्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को, बहुत अच्छे हैं, सरयू पारिन ब्राह्मण हैं, मामखोर के शुक्ल हैं, ये बहुत अच्छे तीन के ब्राह्मण हैं। तो थोड़ी देर तक धीरेन्द्र शास्त्री को सुनते हैं, फिर मेरी कथा होगी।
नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, पूज्यपाद जगत गुरु भगवान की, रामलला सरकार की, पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी महाराज की, सब संतन की, बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी की, यज्ञ नारायण भगवान की, समस्त राघव परिवार की, हमारे गुरु भाई राघव परिवार के उत्तराधिकारी जी महाराज की, राम राज्य की। नमः पार्वती पते हर हर, सीताराम नमो राघवाय। आज हमारा विलक्षण दिवस कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। हम सब राघव परिवार के पुष्प मिलकर के हमारा भारत देश भी अमृत महोत्सव मना रहा है और हम सब राघव परिवार के सभी पुष्प भी मिलकर के पूज्यपाद जगतगुरु भगवान के प्रकटोत्सव का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कितना अद्भुत संयोग है इस पावन अमृत महोत्सव में अनेक अनेक विभूतियों के आचार्यों के दर्शन हो रहे और पूज्यपाद जगतगुरु भगवान इस पृथ्वी के चलते फिरते भगवान हैं जिनकी कृपा से हम आप सब 22 जनवरी को पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में एक भव्य और दिव्य दीपावली मनाने जा रहे हैं। यह हम सब भारतवर्ष के सनातनियों के एवं पूरे विश्व में रहने वाले सनातनियों के पूर्वजों के पुण्यों का प्रभाव है, हम सबका गौरव है कि ऐसा गौरव क्षण अयोध्या की इस पावन भूमि पर जब प्रभु श्री राम 22 जनवरी को विराजमान होंगे और हम सब अपनी आंखों से भर नजर देख करके राघव जी के उस महोत्सव को देखेंगे और साक्षी बनेंगे। आज के कथाक्रम में हम तो राघव परिवार के ही एक छोटे से पुष्प हैं। पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी महाराज जी भी विराजमान हैं, उनके चरणों में भी नाक रगड़ के प्रणाम करते हैं। गुरुदेव भगवान के सामने हम कुछ बोल नहीं पाते, बस इतना कह सकते गुरुदेव भगवान हमारे वशिष्ठ गोत्री हैं। लोग हमसे पूछ रहे थे, पंडित जी आप तो पर्चा बना देते हो, बताओ राम मंदिर कब बनेगा। हमने कहा राम जी जब बन गए तो सबसे पहले सबरी का मान बढ़ाया, केवट का मान बढ़ाया, उन्होंने जो है सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया, इसके बाद में हनुमान जी का मान बढ़ाकर फिर राम राजा भए। लेकिन आज वह क्रम पूरा होते दिखाई पड़ रहा है जब 75वां अमृत महोत्सव पूरे राघव परिवार के हम सब पुष्प मिलकर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जो प्रभु श्री राम के गुरु गोत्री हैं, वशिष्ठ गोत्री है, हम सब मिलकर के जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो अब राम भी राम लला भी दिव्य भव्य मंदिर में आ रहे हैं। कौन आ रहा है? और जो विरोधी विरोध कर रहे थे उनकी ठटरी बर गई और अब गुरुदेव भगवान का यह विजय रथ रुकने वाला नहीं है। भारत में जो सनातन का विरोध करने वाले पूज्यपाद जगत गुरु भगवान का विरोध करने वाले हैं, कान खोलकर सुन लो, हम सब राघव परिवार के पुष्प अब गुरुदेव भगवान के विजय रथ को लेकर भारत के सभी संतों को लेकर के ज्ञान वापी में अभिषेक करेंगे और कृष्ण जन्मभूमि में प्रभु श्री कन्हैया लाल को भी विराजमान करवाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और एक बात, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदि हैं पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। कौन कौन गुरुदेव भगवान के प्रकटोत्सव अमृत महोत्सव पर प्रसन्न है, जरा हाथ उठाओ। एक बात बोले, हमारे गुरुदेव भगवान की चमक के सामने सब फीके पड़ जाते हैं। 75वां अमृत महोत्सव गुरुदेव भगवान का है और चमक ऐसी है कि हमारे जैसे लोग भी जो 26 साल वाले हैं वो बूढ़े नजर आ रहे हैं। और आज तो हमने कहा था, आज हमने पहले ही गुरु भाई से आज्ञा ले ली थी कि आज हमें थोड़ा बोलने का मौका देना, क्योंकि गुरु जी के सामने बोल नहीं पाए तो हमारे उत्तराधिकारी बड़े, देखो एक बात बोले, आज जब हम यहाँ प्रवेश भए
हमको कुंभ जैसा नजारा लगा। आज हमें अपने गुरु भाई आचार्य पूज्य श्री रामचंद्र जय भैया के ऊपर इतना गौरव हुआ, ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। सब गुरु भाई मिलकर कितना अद्भुत आनंद ले रहे। तो गुरु जी को देखकर हमें एक गीत याद आ रहा, कहो तो एक लाइन सुना दें, फिर प्रणाम कर लें गुरु जी को। ये चमक ये दमक फुले बन महक, ये चमक ये दमक फुले बन महक, सब कुछ सरकार चमक, ये दमक फूल बन महक, ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कौन कौन मानता है कि पूज्य गुरुदेव भगवान के कारण ही हम लोगों की चमक दमक है? अरे हम लोगों की तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट में जब पूज्य गुरुदेव भगवान ने साक्ष्य प्रस्तुत किए तब मुसलमान जज की भी आंखें फटी रह गईं। और उसने भी कहा, लोग हमसे कहते आपके पास चमत्कार है, अब तो हमने बढ़िया उपाय सोच लिया, उन्हें हम दिखाते नहीं, हम कह देते पहले हमारे गुरुजी से निपट लो, हमारे गुरुजी साक्षात ईश्वर हैं, पहले उनसे निपट लो, हम तो छोटे मोटे से बछड़ा हैं, उनके चरणों के दास हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान की कृपा हमारे पूरे राघव परिवार पर बनी रहे। अयोध्या में 22 तारीख को प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले हैं। इस कथा को आप सब सुनो, दर्शन करो। हम भी अभी कल तक गुरुजी के चरणन की धूल में लोटते रहेंगे, यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन करेंगे और 21-22 को भी चरणों में लोटेंगे गुरुदेव भगवान के। ये हम सबका गौरव है कि हमें ऐसे गुरुदेव भगवान प्राप्त हुए हैं जिनकी चमक दमक से प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। अब ज्यादा बात ना करें नहीं तो गुरुजी अभी धूम केतु कह देंगे, सो आपत हो जाएगी। सो हम गुरुजी को अभी प्रणाम करके कोई ज्यादा वार्ता नहीं, आप सब मुस्कुराते रहो, आते जाते रहो, हंसा करो, हंसाया करो, राघव परिवार अपने बाप का घर है, आया जाया करो। वाह बेटा, लो चलो थोड़ी